अपने सब बच्चों अपने आप को अनम्यूट रखना बेटा। राज अपने आप को अनम्यूट करो बेटा।
नमस्कार। हाँ नमस्कार। ये हमको जुड़ा नहीं है। गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम। सर जुड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग सर। जुड़ गई हैं बस। हाँ, माइक ऑन नहीं था। अच्छा जी। इट इज अ वेरी प्लेजर टाइम टू अस दैट डॉक्टर श्रुति आनंद एज अ गेस्ट लेक्चर इज विद अस टुडे। आई एम वेलकम एंड ग्रीटिंग्स टू आवर गेस्ट लेक्चर डॉक्टर श्रुति आनंद एज एन इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स प्रताप बहादुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। शी इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स SS Khanna Girls Degree College, Prayagraj. She has completed her DPhil in Commerce from the University of Allahabad in the year 2018 on the topic Social Economic Implication of Organized Relating to Uttar Pradesh. She has published 7 papers in international and national journals of reputed journals. She is a life member of Indian Accounting Association. She also qualifies UGC NET in the year 2013. She was a rank holder also in post-graduation examination. I welcome my guest. Thank you, ma'am. And welcome, ma'am. I am also welcoming of my principal, Dr. Brijbhanu Singh, and request to him for giving some precious words to our students and guest. Please, sir. सबसे पहले मैं श्रुति आनंद जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने गेस्ट लेक्चर के लिए सहमति दी और हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आज होने जा रहा है। और मैं अभी देख रहा हूँ कि बच्चे थोड़ा सा कम है और कम जुड़े भी हैं, लेकिन ये कि स्थितियाँ अच्छी होंगी और अभी थोड़ी देर में और बच्चे भी जुड़ जाएंगे। हमने भी कोशिश की है, लेकिन श्रुति आनंद जी से मेरा अनुरोध है कि वो जब भी समय मिले हमारे महाविद्यालय से जुड़ें और यहाँ के गेस्ट लेक्चर्स के लिए वो अपनी सहमति दें। निहारिका जी, निहारिका जी हमारी फैकल्टी इंचार्ज हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं और उनके कारण हम लोग कॉमर्स में कुछ अच्छा कर सकें। अभी हमारा पहला सत्र है, ये फर्स्ट बैच जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे ही हैं मेरे पास, तो आप सबका सहयोग रहेगा तो ये अच्छा सा एक हमारा डिपार्टमेंट एक फैकल्टी चल सकेगा। और फैकल्टी इंचार्ज जो हैं उन सबसे भी हम अनुरोध करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। और मैं तो कॉमर्स के लिए बहुत एकदम कुछ विशेष जानता नहीं, समझता नहीं और प्योरली आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन ये कि मुझे भी आपके लेक्चर को सुन के कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। मैं साथ में जुड़ा हुआ हूँ
अनुरोध है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। सर बच्चों को, कुछ बच्चों को थोड़ी सी इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो धीरे भी जुड़ जाएंगे, कुछ समय में जुड़ जाएंगे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू माय गेस्ट डॉक्टर श्रुति आनंद कि प्लीज वो कंटिन्यू करें। मैंने आपको होस्ट कर दिया मैम, आप अपना शेयर कर सकती हैं स्क्रीन। ओके ओके। फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू, थैंक्स सर, प्रिंसिपल सर, फॉर योर काइंड वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। आई विल श्योरली लाइक टू बी एज अ पार्ट ऑफ योर कॉलेज एज अ गेस्ट फैकल्टी और एज अ गेस्ट लेक्चर। वेन एवर यू विल नीड मी आई विल बी देयर फॉर यू एंड द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स। आई होप सो माई लेक्चर टूडे विल बी ऑफ वैल्यू टू द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग आउट टाइम ऑन संडे द फन डे टू अटेंड माई लेक्चर। So, thank you so much. With your permission, I would like to start my presentation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure, sure. Okay. Thank you. Dear students, a very good afternoon. Am I audible to you? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो please chat box में A लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। Okay, thank you so much. Dear students, once again I would like to ask you, क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? प्लीज अगर दिख रही है तो V लिख दीजिए चैट बॉक्स में, V for visible. Okay, thank you so much. Now, as we all know that the topic of today's lecture is centralization and decentralization in business management. Okay, so before coming into the technical portion, I would like to share a story with you. टेक्निकल चीजों पे बात करने से कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डायरेक्टली उस पे आने से पहले मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। और वो छोटी सी स्टोरी है वो दो फैमिलीज के बारे में है, ठीक है? एक फैमिली है हमारी चौधरी फैमिली एंड द अदर वन इज द्रविड फैमिली। दोनों ही फैमिली में 6-6 पर्सन हैं, फादर, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर एंड टू लिटिल चिल्ड्रन। सेम अप्लाइज फॉर द्रविड फैमिली ऑल्सो। द्रविड फैमिली में भी पापा, मम्मी, दादा, दादी और दो बच्चे। पर दोनों ही फैमिलीज में काम करने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि स्टोरी के एंड में एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक? तो दोनों ही फैमिलीज में काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। काम करने का तरीका मींस कि जो चौधरी फैमिली है वहां पे काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि फैमिली के जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, जैसे कि घर कहाँ लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो सब बड़े मेंबर्स करते हैं, दैट इज फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। ना ही सिर्फ बड़े बड़े डिसीजंस बल्कि छोटे मोटे डिसीजंस जो कि रोजमर्रे में बच्चे भी ले सकते हैं, वो डिसीजंस भी कौन लिया करते हैं? सिर्फ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ही लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को कौन से कपड़े पहनने हैं, बच्चों को जो कपड़े पहन रहे हैं उनका कॉलर का बटन बंद होना चाहिए कि नहीं, अगर वो आइसक्रीम खा रहे हैं तो कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम खा रहे हैं। इवन इस तरीके के डिसीजंस जो छोटे बच्चे खुद भी तय कर सकते हैं, वो डिसीजंस भी इस फैमिली में कौन लेते हैं? बड़े लेते हैं, यानी कि फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। बच्चों का सिर्फ रोल यही होता है कि जो भी बड़े कह रहे हैं उसको एज इट इज वैसे ही फॉलो करें। वो कोई भी अपना डिसीजन, अपनी इच्छा वहां पे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये तरीका है चौधरी फैमिली का। ओके, नाउ द्रविड फैमिली, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जितने भी डिसीजंस होते हैं बड़े या छोटे, वो बच्चों से पूछ के लिए जाते हैं। थोड़ा सरप्राइजिंग है, इंडिया में ऐसी फैमिलीज मिलती नहीं है, बट फॉर अ टाइम बीइंग हम अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर फैमिली में कोई फर्नीचर आना है तो वो फर्नीचर कौन सा आना चाहिए वो बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा आपको बताओ कौन सा फर्नीचर अच्छा लग रहा है, वो वाला फर्नीचर हम लेंगे। जो बच्चे कहते हैं कि हमें ये फर्नीचर अच्छा लग रहा है वो लिया जाता है। यानी कि जितने भी बड़े से छोटे जितने भी डिसीजंस हैं वो सब कौन लेता है?
वो सब हमारे छोटे बच्चे लेते हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ ज्यादा ही खुश है ये बच्चे। तो दो तरीके की फैमिलीज हैं यहाँ पे, दोनों का काम करने का तरीका एंटायरली डिफरेंट है। अब अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्लीज आप ये बताइए, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप कौन सी फैमिली में ज्वाइन करना पसंद करेंगे, तो कौन सी फैमिली आप में ज्वाइन करना पसंद करेंगे, किस फैमिली का मेंबर बनना पसंद करेंगे? अगर आप सी चौधरी फैमिली का मेंबर बनना पसंद करेंगे तो प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स, और अगर आप द्रविड़ फैमिली का मेंबर बनना पसंद करेंगे तो प्लीज राइट डी इन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप सो मेरी स्टोरी छोटी सी जो थी वो आपको समझ में आ गई। दो फैमिलीज हैं चौधरी एंड द्रविड़, दोनों का काम करने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब अगर आपके सामने ये क्वेश्चन रखा जाए कि आप कौन सी फैमिली का हिस्सा बनना पसंद करेंगे, चौधरी फैमिली का या द्रविड़ फैमिली का, ओके लेट मी गिव यू अ थर्ड ऑप्शन, किसी फैमिली का भी हिस्सा बनना नहीं पसंद करेंगे, तो प्लीज राइट सी फॉर चौधरी इन द चैट बॉक्स, डी फॉर द्रविड़ एंड एन फॉर नो, किसी भी फैमिली का हिस्सा बनना पसंद नहीं करेंगे। ओके आई रिसीव रिस्पॉन्स फ्रॉम शिवानी, शी सेइंग कि मैम आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द्रविड़ फैमिली। ओके व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स? संजय इज सेइंग कि आई विल गो विद सी, चौधरी फैमिली इज फाइन फॉर हिम, ऋषभ इज गोइंग विद डी, फाइन, दैट इज योर चॉइस कि आप किस फैमिली का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। बट आइडियली अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, कौन सी फैमिली के फंक्शन अच्छा है, किसका आइडियली हिस्सा बनना चाहिए, ये हम कैसे तय करेंगे, ये हम आज के लेक्चर के दौरान ही आपसे तय कर लेंगे। ठीक है, ये आज के लेक्चर के दौरान ही हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेक्चर के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, पांच चीजों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आई होप सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल put your queries at first and I will reply them. Okay? तो learning objectives यानी कि आज के lecture की पांच चीजें हम लोग समझेंगे। पहली चीज meaning क्या है, ठीक है, इसकी meaning क्या है। दूसरी, दोनों में से centralization और decentralization में से क्या difference है या कौन सा बेहतर है, है ना। तीसरी चीज advantages और limitations of decentralization and पांचवी डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आई कैन अंडरस्टैंड अभी सिर्फ टेक्निकल टर्म्स है तो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आई होप सो द कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की मीनिंग की। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर पास टू पीपल एट लोअर लेवल्स। मैनेजमेंट में बेसिक्स हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, बट अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हम मैनेजर्स को तीन लेवल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, तीन प्रकार के मैनेजर्स होते हैं। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चल रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चल रहा है? इस चीज को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग पावर, तय करने की क्षमता कि ऑर्गेनाइजेशन में या एक कंपनी में क्या डिसीजन लेना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा डिसीजन हो चाहे छोटा डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन हो, अगर वो टॉप लेवल मैनेजर्स के पास है, अगर ऐसा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है, टॉप लेवल मैनेजर्स के पास है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चल रहा है। मतलब कि छोटा भी अगर मान लो कोई दिन में कोई छोटा सा डिसीजन भी लेना हो तो उसके लिए लोअर लेवल मैनेजर्स या मिडिल लेवल मैनेजर्स अपने आप से वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, वो टॉप मैनेजर्स के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे सर मुझे ये दिक्कत है या मुझे ये डिसाइड करना है। टॉप लेवल मैनेजर्स कहेंगे ओके वेट लेट मी डिसाइड, उसके बाद टॉप लेवल मैनेजर्स खुद डिसाइड करेंगे एंड फिर वो पुट फॉरवर्ड करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरीके का मैनेजमेंट चल रहा है तो उसे हम कहते हैं कि वहां पे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चल रहा है। यहां तक बात आपको क्लियर हुई?
अगर क्लियर है तो प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स. अगर इतनी बात आपको क्लियर मैं समझा पाई तो प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स. नाउ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे मैनेजमेंट की स्थिति होती है जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है, वो किसके पास आ जाती है? लो लेवल मैनेजर्स के पास आ जाती है. यानी कि लो लेवल मैनेजर्स के पास ये राइट होता है कि वो अपने लेवल पे कोई भी डिसीजन ले सके और उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट है कि लो लेवल मैनेजर्स को अपनी बातें अप्रूव करवाने के लिए टॉप मैनेजमेंट तक नहीं जाना पड़ता, टॉप मैनेजर्स क्या कहते हैं, बोले ठीक है ये डिसीजंस को हम खुद लेके अपने आप में डिसाइड कर लो, ठीक. तो जब ऐसी अथॉरिटी, ऐसी पावर लो लेवल मैनेजर्स को दी जाती है कि आप अपने मन से डिसाइड कर लीजिए, आप अपने मन से इस चीज के ऊपर डिसीजन लीजिए, हम आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप इस चीज के ऊपर डिसीजन लीजिए, तो उसे कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है? डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चल रहा है, ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस इज रिटेन्ड एट टॉप लेवल्स, ठीक, डिसीजन लेने की अथॉरिटी अगर टॉप लेवल के पास है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कहा जाता है? सेंट्रलाइज्ड कहा जाता है, ठीक. वहीं पे अगर डिसीजन में लेने की अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या कहा कि देखो हम सारे डिसीजंस तो नहीं लेंगे, जो छोटे मोटे डिसीजंस है वो लोअर लेवल मैनेजर्स आप ले लीजिए और बाकी के जो ठीक ठाक डिसीजंस हैं वो आप ले लीजिए, हम सिर्फ वो डिसीजन लेंगे जिसमें फाइनेंशियल मैटर हो, मतलब पैसे का मैटर, ठीक, हम सिर्फ वो डिसीजन लेंगे. और बाकी के डिसीजंस की अथॉरिटी क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? मिडिल लेवल मैनेजर्स में और लो लेवल मैनेजर में. तो ऐसे स्थिति को हम क्या कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का मैनेजमेंट चल रहा है? डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चल रहा है, ठीक है. डिसेंट्रलाइज्ड बेटा समझ में आया आप लोगों को? अदर पॉइंट्स क्लियर? डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट क्या होता है, क्लियर? तो प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स. थोड़ी मेहनत हम आपसे करवाते रहेंगे बिकॉज इंटरैक्टिव होना चाहिए सेशन. सिर्फ वन साइडेड आपके तरफ से मुझे यही इंटरैक्शन चाहिए कि आप मुझे रिस्पॉन्ड करते रहें. समझ में आया है तो सी लिख दे, नहीं आया है तो जस्ट राइट कि मैम नॉट अंडरस्टूड, प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अब अगर डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, बिकॉज कॉमर्स में आपको डेफिनेशंस तो मिलती ही मिलती हैं, तो अगर डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एक्सटेंट टू विच पावर एंड अथॉरिटी आर रिटेन्ड एट द टॉप ऑर्गेनाइजेशन लेवल, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन. जिस एक्सटेंट तक, जिस आप कह सकते हो जिस बाउंड्री तक, है ना, कि जो अथॉरिटी है टू टेक पावर, टू टेक डिसीजन, ये अथॉरिटी अगर टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के पास सीमित रह जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहते हैं? द एक्सटेंट टू विच पावर एंड अथॉरिटी आर डेलीगेटेड. डेलीगेटेड मींस अपना काम किसी और को सौंप देना. जैसे क्लास में कई बार होता है ना कि टीचर्स क्या करते हैं, कुछ कुछ काम मॉनिटर्स को सौंप देते हैं, कहते हैं मॉनिटर्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डू दिस जॉब, है ना. उसे क्या कहते हैं कि टीचर ने अपना काम, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी मॉनिटर्स को डेलीगेट कर. जब आप स्कूल में रहे होंगे तो कई बार टीचर्स को किसी काम से क्लास के बाहर जाना पड़ता था, तो टीचर्स क्या कहते थे? मॉनिटर्स नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द क्लास. क्लास में आवाज नहीं होनी चाहिए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मॉनिटर्स. तो उस वक्त क्या हुआ, टीचर्स ने अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, अपनी पावर किसको डेलीगेट कर दी थी? क्लास में मॉनिटर्स को. तो जब ये डेलीगेशन हो जाता है पावर का, जब टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देते हैं. किसको डेलीगेट कर देते हैं? अपने से सबॉर्डिनेट मैनेजर्स को. ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. क्लियर इस स्लाइड को? आगे बढ़ सकते हैं. आर वी गुड टू गो?
क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट चीज पढ़े? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गुड, सेंट्रलाइज इज गुड और डिसेंट्रलाइज इज गुड? ओके, सेंट्रलाइजेशन अच्छा है या डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है? ठीक है, तो पहली तो एक बात बहुत अच्छे से आप लोग ये समझ लीजिए कि नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज नहीं होती है। ओके, नहीं होती कि मतलब ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें कि सारा का सारा पावर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर, मतलब नीचे तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब अगर सारा का सारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप मैनेजर्स के पास हो, सारा फ्रॉम 0 to 100, मतलब अगर सपोज ठंडक में अगर स्टाफ में चाय भी मंगवानी है तो उसके लिए आप टॉप मैनेजर के पास जा रहे हो कि सर चाय मंगवानी, बताइए कौन सी चाय मंगवाएं, ये बगल वाली शॉप से मंगवाएं कि दूसरे शॉप मंगवाएं, ऐसा नहीं होता। तो ये एक कंसेप्ट है कि एक्सट्रीमली मतलब पूरा सेंट्रलाइज कभी नहीं होता एंड पूरा डिसेंट्रलाइज भी कभी नहीं होता। तो ये कंसेप्ट हमें समझ के रखना है। पूरा नहीं होता मतलब क्या, कि ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा या फिर सेंट्रलाइज की तरफ होते हैं या फिर डिसेंट्रलाइज की तरफ होते हैं। जैसे कि अगर आप ये वो देख पा रहे हैं, मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, एक एंड पे सेंट्रलाइज है, दूसरे एंड पे डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, मीन्स जो पर्पल लाइन आप देख रहे हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है दैट मीन्स इतना पोर्शन 20% उस कंपनी की एक्टिविटी सेंट्रलाइज फॉर्म में चलती है एंड 80% डिसेंट्रलाइज फॉर्म में चलती है। ठीक है, वैसे ही अगर हम कहें कि हमारी कंपनी यहां फॉल करती है ग्रीन लाइन पे, दैट मीन्स 20% उसका क्या चलता है, डिसेंट्रलाइज फॉर्म चलता है और ज्यादातर उसका क्या चलता है, सेंट्रलाइज फॉर्म चलता है। ठीक, तो दोनों में से कोई एक बेहतर नहीं कह सकते कि सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेहतर है और डिसेंट्रलाइज खराब है, या डिसेंट्रलाइज बेहतर है और सेंट्रलाइज खराब है। हम ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये पॉसिबली नहीं है। ओके, आगे देखते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है, कि इन अ कंप्लीटली सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, एक कंप्लीटली सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में ऑल डिसीजंस विल बी टेकन बाय द टॉप मैनेजर्स। छोटे से छोटा डिसीजन और बड़े से बड़ा डिसीजन, सारे डिसीजंस कौन लेंगे, टॉप मैनेजर्स। तो फिर जो लोअर लेवल मैनेजर्स होंगे वो कहेंगे मेरी जरूरत ही क्या है, हमें क्यों रखा है, जब सब कुछ आप ही को डिसाइड करना है तो हमें क्यों रखा है, व्हाई आर वी हियर। ओके, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगर मान लो इन अ कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जहां कंप्लीटली क्या होता है डिसेंट्रलाइज फॉर्म है, मतलब कि सारा का सारा काम कौन कर रहा है, सारा का सारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है, लोअर लेवल मैनेजर्स के पास है। तो जहां पे ऐसी चीज है वहां पे क्या होगा, वहां पे भी दिक्कत का काम होगा। क्यों, क्योंकि टॉप मैनेजर्स कहेंगे मेरे तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, सारा काम तो ये लोग कर लेते हैं, सारा डिसीजन ये लोग ले लेते हैं, ये तो कोई बात नहीं होती है। तो दोनों ही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, बोथ स्ट्रक्चर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। तो कैसे होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, दोनों के थोड़ा थोड़ा पोर्शन मिक्स होता है। जैसे कि हमने आपसे स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल पूछा था जहां पे एक फैमिली चौधरी फैमिली ऐसी थी जो कि क्या करती थी, सारे डिसीजंस उनके बड़े लेते थे, और एक फैमिली ऐसी थी चेयरमैन से सारे डिसीजंस क्या लेते थे, बच्चों से पूछ के लिए जाते थे। ठीक, बट अगर आप भी अपनी फैमिली में देखोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, है ना। जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं, आपके बड़े लेते हैं, एल्डर्स लेते हैं, और जो रोजमर्रा के डिसीजंस होते हैं जैसे सर्दियों में चॉकलेट खाना है कि नहीं, आइसक्रीम खाना है कि नहीं, कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम खाना है, आज चाट खाना है, आज कौन से कपड़े पहनने हैं, आज कैजुअल पहनना है, आज फॉर्मल पहनना है, आज कौन सी स्वेटर पहननी है, शॉल ले रहा है, ये छोटे मोटे डिसीजंस क्या करते हैं, आप लोग अपने लिए खुद लेते हैं। बट कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी जगह पर जाके पढ़ना है, ये सारे बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, फैमिली। तो इन शॉर्ट
कहने का मतलब ये है कि यही सेम चीज हमारे मैनेजमेंट में भी अप्लाई होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे भी अप्लाई होती है, ठीक, कि जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स के पास होते हैं और काफी हद तक डिसीजंस जो होते हैं छोटों के पास भी होते हैं, बट उनमें एक एक्सटेंट होता है, उसमें एक लिमिटेशंस होती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो तो करना ही पड़ता है, सिर्फ सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चलता। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन हमें करना पड़ता है तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। वो एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज क्या है? रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ टॉप मैनेजर्स। सही बात है कि नहीं? सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए ये बात सही है कि नहीं। अगर टॉप मैनेजर्स ने मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स को ये राइट दे दिया कि देखो हर छोटे छोटे बात पे ना मेरे पास मत आया करो, खुद डिसीजन खुद भी ले लिया करो, ठीक। अगर ये राइट टॉप लेवल मैनेजमेंट ने लोअर लेवल मैनेजर्स या मिडिल लेवल मैनेजर्स को दे दिया तो अब क्या होगा? अब टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए हर वक्त कोई दरवाजा नहीं खड़ा, खटखट मैं आई कमेंट सर ये बता दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे वो किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। जो रोजमर्रे के डिसीजंस हैं या जो ऐसे डिसीजंस हैं कि अगर लोअर लेवल मैनेजर्स भी ले लें तो ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, वैसे डिसीजंस की अथॉरिटी किसको दे दी जाती है? सबॉर्डिनेट्स को दी जाती है। अच्छा, दूसरा एडवांटेज क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स। अगर लोअर लेवल मैनेजर्स को भी डिसाइड करने की पावर दी जा रही है तो उनमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अरे वाह, मैं भी कुछ डिसाइड कर सकता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं भी कुछ सोच सकता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो ये क्या होगा, सबॉर्डिनेट्स को एक डेवलपमेंट का चांस मिलता है, वो अपने ग्रोथ कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर रोज आपसे कह दिया जाए कि जो टीचर क्लास में बोले आपको सिर्फ वो लिखना और कुछ नहीं करना है, ठीक, तो आपकी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। बट यही बोला जाए कि ठीक है मैं एक टॉपिक दे रहे हैं, आप लोग इसके ऊपर थोड़ा पढ़ के आइएगा और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका भी पार्टिसिपेशन है, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ टीचर मेरे पे बारे में ही पूछ रही है या मुझसे भी राय ले रही है ना। इन द सेम मैनर सबॉर्डिनेट्स का डेवलपमेंट कब होगा, जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा। फास्टर डिसीजन कैसा होगा? अभी आप ही समझो कि आपको हर एक चीज के लिए आपको अपने टीचर से पूछ के फ्री करना है, ठीक है। कॉपी में अगर मार्जिन भी खींचना है तो आपको पहले टीचर से जाके परमिशन लेनी है और फिर खींचना है, तो होगा क्या, टीचर के पास एक लंबी सी लाइन होगी क्योंकि सभी लोग आ रहे होंगे। वैसे ही टॉप लेवल मैनेजर्स के पास अगर सेंट्रलाइज्ड है कि टॉप लेवल मैनेजर की परमिशन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो जितने भी लोग हैं कंपनी में वो सब क्या कर रहे होंगे, वो सब टॉप लेवल मैनेजर्स के पास जा रहे होंगे, ठीक। तो अब क्या हो गई होगी, एक लाइन बन गई होगी, है ना, कि पहले इतने लोग को डील करेंगे उसके बाद मेरा नंबर आएगा, ठीक। तो अब क्या होगा, अगर मान लो ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है इसको कोई छोटा सा काम भी था तो उसको वेट करना पड़ेगा कि पहले इन लोगों की बात मैनेजर अप्रूव कर दे, फिर ही तो मेरा नंबर आएगा, हम इनको क्रॉस करके तो जा नहीं सकते। तो डिसीजन क्या हो जाता है, लेट हो जाता है ना। बट अगर डिसेंट्रलाइज हो जाए, मतलब अगर लो लेवल मैनेजर्स को ये राइट दे दिया जाए कि ठीक है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, तो ये पर्सन क्या करेगा, ये यहाँ पे लाइन में खड़ा नहीं होगा, ये अपना डिसीजन क्या लेगा, तुरंत फास्टर डिसीजन ले लेगा। प्रमोटेड मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मोटिवेशन देने के दो तरीके हैं, एक तो फाइनेंशियली कुछ बोनस दे दीजिए, उससे भी लोग मोटिवेट होते हैं कि अरे वाह अच्छा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, और एक होती है कि इनको कुछ अथॉरिटी दे दीजिए, ठीक है। जैसे क्लास में मॉनिटर्स बना दिए जाते थे, है ना, कुछ कैप्टन बना दिए जाते थे, तो वो क्या होता ना, मोटिवेट करते थे स्टूडेंट्स को कि अगर आपको कैप्टन बनना है तो आपको भी ऐसा ही अपना आचरण रखना पड़ेगा, आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा तभी आप कैप्टन बन सकते हो। और कैप्टन बन जाते हैं तो फील करता है वाह क्या बात है, हम कैप्टन बन गए क्लास में, तो हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, शांत रहो बात मत करो, बात करोगे तो ब्लैकबोर्ड पे नाम लिख देंगे और वो सारी चीजें। तो मोटिवेट करने का भी तरीका बहुत अच्छा है कि अगर हम अपने से सबॉर्डिनेट्स में उनको हम डिसीजन लेने की पावर दे दें। फ्लेक्सीबिलिटी बहुत होती है यहाँ पे, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सीबिलिटी बहुत आ जाती है। फ्लेक्सीबिलिटी मतलब समझ रहे हैं कि ये नहीं कि जो एक बार कह दिया वो कह दिया वही होगा, नहीं। अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन सही नहीं बैठ रहा है तो लोअर लेवल मैनेजर्स के पास ये राइट होता है कि उस डिसीजन को वो चेंज कर सके, है ना। अब मान लो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती, सबके लिए टॉप लेवल मैनेजर्स के पास जाना पड़ता, तो एक बार टॉप लेवल मैनेजर्स ने कुछ कहा उसको इम्प्लीमेंट किया, अब कुछ गड़बड़ निकल आई तो फिर टॉप लेवल मैनेजर्स के पास खड़े कि सर ये तो गड़बड़ हो गया अब क्या करें,
ठीक है, तो अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वहां पे, मतलब आपको एक इंसान के पास जाके बार बार उसे अप्रूवल लेनी है, ठीक। बट अगर आपको पास अपने पास राइट है कि आप कुछ भी डिसीजन लेके उसको इम्प्रूव कर सकते हो, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, आप अपने शेड्यूल में भी चेंजेस ला सकते हो। बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत बेहतरीन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कैसे बेहतरीन होता है, जो ये होते हैं लो लेवल मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स से बात करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं लो लेवल मैनेजर्स से बात करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं अपनी बातों को। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर से ही कम्युनिकेट करना है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपस में क्या करती रहती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। एडवांटेजेस क्लियर है आप सभी को? मैम एक चीज मैं इंटरप्ट करूंगी यहाँ पर कि 35 मिनट्स हो चुके हैं, 5 मिनट्स बाद अगर ये डिस्कनेक्ट होगा तो हम सेम लिंक पर ही, मैं इसमें टाइम चेंज कर दूंगी, तो सेम लिंक पर ही आप क्लिक करके फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चा, तुम लोग सब भी, ठीक है। 5 मिनट्स के बाद ये खत्म हो जाएगा लेक्चर, तो तुरंत ही हम इसमें टाइम चेंज करेंगे, तो इसी लिंक पर क्लिक करिएगा तो आप लोग दोबारा इसमें जुड़ सकेंगे और आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है मैम? ओके मैम प्लीज कंटिन्यू। तो एडवांटेजेस आप सभी को समझ में आ गया? एडवांटेजेस में कोई दिक्कत है किसी को? ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो, क्लियर है? यू कैन राइट, जस्ट सी, यू कैन जस्ट राइट सी इन द चैट बॉक्स, इट विल बी ओके फॉर मी। ओके, अब एडवांटेजेस इतने ढेर सारे हैं बट कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ओके, आई थिंक सो मैम, निहारिका मैम, इट इज शोइंग दैट ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट, so should I continue next slide with the next link? Niharika ma'am, am I audible to you? Okay ma'am, thank you. I will discontinue this meeting and फिर से इसको मैं लगा देती हूँ। otherwise it will create a chaos because I'm going to explain the next slide, so बीच में रुक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ नहीं, ठीक है। इसको discontinue कर लेते हैं, next slide हम लोग इसको हम leave कर रहे हैं बच्चों, तुम लोग सब लोग देख लो, इसको लीव कर रहे हैं और 2 मिनट बाद ही इस पर हम इसी का टाइम चेंज कर देंगे, यही लिंक रहेगा, यही सब कुछ रहेगा बेटा, ठीक है। इसी लिंक पे क्लिक करना तो तुम लोग को इसमें फिर से ज्वाइन हो जाओगे। ओके मैम, आई विल डिसकंटिन्यू दिस मीटिंग। ओके मैम, थैंक यू।